एक कपिल देव जो ज्यादा भजन करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, उसी को दुख भगवान क्यों देता है? पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती, अगरबत्ती नहीं लगाती, कभी किसी को एक रुपया दान नहीं करती, वो तो खूब फले फूले। पर हम तो सोमवार का व्रत करें, मंगलवार करें, एकादशी करें, द्वादशी करें, लोटा भर के पानी भी चढ़ाएं, तो भी दुख हमें क्यों मिलता है? बोलोरी जी जी सही है कि गलत है? उसका उत्तर कपिल देव जी महाराज ने दिया, मां सुनो, जिस प्रश्न को आपने मुझसे करा, यही प्रश्न देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से करा था। यही प्रश्न भगवान विष्णु से देवऋषि नारद ने करा कि जो मंदिर जाए, देवालय जाए, पूजन करे, अर्चना करे, पाठ करे, स्मरण करे, दुख उसी को क्यों मिलता है? और जो कभी मंदिर नहीं जाए, भगवान का भजन नहीं करे, उसके यहाँ तो चार चांद लग जाते, खूब लक्ष्मी भगवान देता। नारद जी ने जैसे भगवान विष्णु से ये प्रश्न किया, तो भगवान विष्णु देवऋषि नारद से बोले, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले अपन दोनों ब्राह्मण के कपड़े पहनकर चल घूमने चलते। और देवऋषि नारद को ब्राह्मण के कपड़े पहना दिए, भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के कपड़े पहन लिए, दोनों घूमने के लिए चल दिए। जाते जाते एक सेठ जी का दरवाजा मिला, एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर, और वहां जाकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, भूख लग रही, कुछ मांग ले। सेठ जी क्या? नारद जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। सेठ जी निकल के बाहर आए, क्या है बाबा, हमें भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। सेठ जी बोले, तेरा बाप रख के गया है, दे दीजिए, निकल यहां से बाहर। गए भिखारी, भीख मंगे, चल निकलो यहां से बाहर। नारद जी के तो कांटे से खून नहीं। नारद जी भगवान विष्णु को देख रहे, भगवान विष्णु नारद को देख रहे। विष्णु जी ने नारद जी का हाथ पकड़ा, लेकर चल दिए वापस। नारद जी बोले, सेठ जी ने इतना अपमान करा, तुमने कुछ बोला नहीं? भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहाँ चार चौगना धन बढ़ जाए, तेरी दौलत और बढ़े, संपदा और बढ़े, तेरे पास में लक्ष्मी और बढ़े। नारद जी चले, भगवान विष्णु का हाथ पकड़ के बोले, ये कहाँ की रीति है? उसने धक्के मारकर निकाला, गाली दे के निकाला, बाप तक पहुंच गया, और तुम उससे कह रहे हो कि तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए? नारद जी, भगवान विष्णु बोले, मेरा मन, चल तू तो आगे चल। और भगवान विष्णु लेकर चले तो एक बूढ़ी बुजुर्ग माता बैठी थी एक कमरे में, एक घर के अंदर। उस बुजुर्ग को देख भगवान विष्णु ने कहा, नारद अब इसके यहाँ चलते चलते जाकर आवाज लगाई, माता जी भिक्षाम दे, हमें भूख लग रही है माता जी, कुछ दे दीजिए। माता जी बोली, देखो बाबा, मेरे घर में खाने का तो कुछ भी नहीं है, बस एक गाय है, उस गाय की मैं सेवा करती हूँ, दूध मिलता है, वही दूध रखा हुआ है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। और दो आसन लगा दिए माता जी ने, दोनों को बिठा दिया, माता जी दोनों के लिए दूध लेकर आई, दे दिए। भगवान विष्णु और नारद चले, नारद जी बोले, कितनी अच्छी माता है, बिठा के दूध पिलाया, पानी पिलाया, और बस सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। भगवान आशीर्वाद दो इस बूढ़ी माता को। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरी गाय मर जाए। अब तो और काटे से खून नहीं। भगवान देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु तुम्हारा ये स्वरूप मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान ने कहा, कौन सा स्वरूप? वो सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला था, कितनी और लक्ष्मी बड़े, और वो बिचारी गाय का दूध पिलाई और तुम कहते गाय मर जाए। हाँ, भगवान बोले, मेरा मन, तो तुमने ऐसा क्यों करा? भगवान बोले, नारद तू मेरी लीला नहीं समझता ना। नारद जी बोले, कभी समझूंगा भी नहीं, पहले बताओ ये क्यों हुआ, लीला जाने दो, मुझे तो ये बता। भगवान ने कहा, नारद बात इतनी सी है, वो बूढ़ी माता मेरा भजन करती है, दिन भर मेरा नाम लेती है, वो मरेगी, उसके घर में एक गाय है, उसमें उसका दिल बहुत लगा हुआ, उसकी सेवा करती है, मरेगी, मरते समय विचार करेगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, गाय की याद करते करते जब मरेगी तो उसको गाय की योनि मिल जाएगी, वो भगवान के पास नहीं आ पाएगी, विष्णु के पास नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने उसके मरने से पहले उसकी गाय को मार दी। नारद जी बोले, ये तो समझ में आ गया, पर अब ये बताओ कि वो सेठ जी को लक्ष्मी क्यों बढ़ाई? भगवान बोले, नारद उसको धन से बहुत प्रेम है, मैंने लक्ष्मी इसलिए बढ़ाने का आशीर्वाद दिया कि वो लक्ष्मी को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर 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 जब मरेगा, वो लक्ष्मी और पैसे के चक्कर में जब मरेगा तो आखिरी में मरकर सांप बनकर उसी दौलत पे बैठा रहेगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।